गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योति प्रकाश मैथमेटिक्स। हम लोग फिर से रूट वर्ड्स के तरफ चलेंगे अगले क्लास में। प्रत्येक दिन की भांति हम लोग कल भी सीखे थे कि कुछ वर्ड ही ऐसे हैं जिससे हम जोड़ करके अनेक सारे शब्द बना सकते हैं, जो कि आपके सामने फिर उपस्थित है वर्ड। अब आपको देखना है कि साइड का अर्थ होता क्या है, हत्या। हत्या मतलब किलिंग। एपी का अर्थ होता है मधुमक्खी। ए आर वाई जिस वर्ड में लगा रहेगा उस वर्ड का अर्थ हो जाता है स्थान, प्लेस। कैनिस का अर्थ कुत्ता, यानी आप जिसको डॉग कहते हैं। के एविस का अर्थ हो जाएगा पक्षी, कैनिस का अर्थ हो जाएगा कुत्ता, और जर्म का मतलब हो जाएगा जीवाणु। हर्प में सांप, फेटर मतलब भाई, सोरोर मिस बहन, सु मतलब स्वयं या खुद, और आई ए एन जिस वर्ड के अंत में रहेगा ये नाउन होता है और इसका अर्थ हो जाएगा के समान। अब देखिए, एपी का अर्थ आपको पहले से ही मालूम है। एपी का अर्थ क्या होता है, मधुमक्खी। और ए आर वाई, दुनिया के तमाम वर्ड जिसके अंतिम में ए आर वाई लगा रहेगा उसका अर्थ होता है स्थान। तो एपी मतलब हो गया आपका मधुमक्खी, और ए आर वाई का मतलब गया स्थान, यानी मधुमक्खी रखने का स्थान। मधुमक्खी रखने का स्थान। फिर आप आइए, एपी मतलब होता क्या है, मधुमक्खी। ए आर अब आया कहां से, तो यहां से आया वर्ड ए आर वाई से आया है ए आर। आई एस टी का मतलब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि व्यक्ति होता है, व्यक्ति विशेषज्ञ। तो एपियरिस्ट हो जाएगा मधुमक्खी, एपी मिस मधुमक्खी। ए आर वाई का मतलब स्थान, आई एस टी मतलब व्यक्ति, यानी मधुमक्खी रखने वाला व्यक्ति, मधुमक्खी पालने वाला व्यक्ति जिसको आप कहते हैं वो होता है एपियरिस्ट, होता है मधुमक्खी पालने वाला व्यक्ति। एपी का फिर हो जाएगा आपका मधुमक्खी, और सी आई डी का मतलब क्या होता है, हत्या, यानी मधुमक्खी की हत्या। ये आपका हो गया मधुमक्खी की हत्या, जो मधुमक्खी की हत्या। ए भी का अर्थ होता है आपका, ए भी आई मतलब होता है पक्षी। तो आई ए एन का मतलब ध्यान दीजिएगा कि के समान होता है, तो ए भी मतलब मधुमक्खी, तो आई एन हो जाएगा मधुमक्खी के समान, मधुमक्खी के समान। अब ए भी मतलब ये आपका मधुमक्खी हो गया, और एवियन हो जाएगा मधुमक्खी के समान। तो ए आर वाई का मतलब आपको मालूम होता है कि पता ही है पहले से कि स्थान होता है, तो ए भी आरी हो जाएगा मधुमक्खी रखने का स्थान, मधुमक्खी रखने का स्थान। अब है ए भी मतलब होता है मधुमक्खी, और ए आर जो वर्ड है ये आया ऊपर से, आई एस टी मतलब होता है व्यक्ति, मधुमक्खी पालने वाला व्यक्ति, यानी मधुमक्खी को जो पालता है उस व्यक्ति को मधुमक्खी पालने वाला व्यक्ति आप कह सकते हैं। ए भी का मतलब होता है मधुमक्खी, और सी आई डी ई का मतलब होता है हत्या, यानी मधुमक्खी की हत्या। ये आपका मधुमक्खी की हत्या। फिर आपका कैनी का मतलब होता है कुत्ता, कुत्ता डॉग, और कैनिन मतलब होता है कैनिन, ये रिपीट हो गया है, कैनी मतलब कुत्ता, कैनी अरी हो जाएगा कुत्ता रखने का स्थान, यानी कुत्ता को जहां पे रखा जाता है कुकुरशाला, वो होता है कुत्ता रखने का स्थान। ये आपका कुत्ता रखने का स्थान हो गया, रखने का स्थान। फिर आइए, कैनी मतलब कुत्ता, ए आर का मतलब होता है स्थान, और आई एस टी का मतलब होता है व्यक्ति, कुत्ता रखने वाला व्यक्ति, यानी हो जाएगा कुत्ता रखने वाला व्यक्ति या कुत्ता पालने वाला व्यक्ति। कैनी का मतलब कुत्ता, सी आई डी मतलब होता है हत्या,
यानी कुत्ता की हत्या करना, कुत्ता हत्या, कुत्ता की हत्या, जो कुत्ता की हत्या। और जर्म का अर्थ होता है जीवाणु, जीवाणु, और जर्मी मतलब जीवाणु, तो साइड का मतलब क्या हो जाएगा, हत्या, यानी जीवाणु की हत्या, यानी जीवाणु नाशक बोल सकते हैं आप इसको, जीवाणु नाशक। अब उसी प्रकार से हर्प का अर्थ होता है सर्प या सांप, आप बोलते हैं हर्प मीन सर्प या सांप, हर्पी मतलब सर्प और साइड मीन हत्या, यानी सर्प की हत्या, इसको आप बोल सकते हैं। अब हर्पी मतलब होता है सर्प, लोजी का मतलब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि विज्ञान होता है हर्पी लोजी होता है, यानी सर्प विज्ञान, जिसमें हम लोग सांप के बारे में अध्ययन करते हैं। और हर्पी मिस सांप, लोजी मिस विज्ञान, IST जिस वर्ड में रहता है उसका मतलब होता है व्यक्ति विशेषज्ञ। हर्पी लोजिस्ट का मतलब हो जाएगा सर्प विशेषज्ञ, सांप विशेषज्ञ जिसको आप बोलते हैं। फैक्ट्री मतलब होता है आपका भाई, यानी ये भाई, तो फैक्ट्री साइड का मतलब हो जाएगा भाई की हत्या हो जाएगा। फिर इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, तो इन्फेंटी मतलब शिशु और साइड मीन्स हत्या, यानी शिशु की हत्या, शिशु की हत्या, शिशु की हत्या। सुरोर का अर्थ होता है बहन, तो ये बहन है, तो सुरोर मिस बहन, तो साइड मिस हत्या, यानी हो गया बहन की हत्या, यानी बहन की हत्या। सु का अर्थ होता है स्वयं या खुद, और सु मिस स्वयं, साइड मिस हत्या, स्वयं की हत्या, यानी आप इसको बोल सकते हैं आत्महत्या। इतना ही, ये हर एग्जाम में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये समझ करके कि कुछ ही ट्रिक्स पे हम लोग बहुत सारे प्रीवियस वर्ड्स को हम लोग सीख लिए। फिर अगले दिन के लिए, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।